जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दांपत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी तो अपना जन्मदिन बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दें, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी लव मैरिज होगी अथवा नहीं होगी। यह जानकारी आपको मूलांक के हिसाब से दी जाएगी। इसके अलावा शादी से संबंधित जानकारी आपको जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। कुंडली के अनुसार से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। अगर जवाब देने में देरी होती है तो आप निराश और हताश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली बनी हुई है तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर कुंडली दिखवा सकते हैं। हम आपको आपकी जानकारी जरूर देंगे कि आपकी शादी कब होगी, अगर कुंडली में ग्रह दशा अंकित हो तब, अन्यथा आपको कुंडली बनानी पड़ सकती है। खासकर शादी से संबंधित जानकारी के लिए आपको विशेष कुंडली बनवानी पड़ती है। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा होगा, उनका कैरियर आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली बनाकर दी जाएगी। इसके लिए आप 8521835670 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार और दोहरा देता हूँ, 8521835670। इसके अलावा आप संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि भकुर दोष, नारी दोष और मांगलिक प्रभाव में शादी नहीं करनी चाहिए जातकों की। तो अगर आपकी शादी तय हो चुकी है तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित और ज्योतिष से सलाह लेकर कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी प्राप्त कर लें कि आप और आपका जीवन साथी नारी दोष से मुक्त है अथवा भकुर दोष से मुक्त है। कई ज्योतिष भकुर दोष और नारी दोष में कुछ वैदिक उपाय बताते हैं जिन्हें करने से नारी दोष और भकुर दोष का प्रभाव कम होता है, हालांकि पूरी तरह से यह खत्म नहीं होता है। तो ऐसे में जातकों को सलाह दी जाती है कि नारी दोष और भकुर दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। आप केपी की वाणी से भी संपर्क कर अपनी कुंडली मिलान करवा सकते हैं। मामूली शुल्क पर हम आपको कुंडली मिलान कर पूरी जानकारी देंगे कि आपकी शादी हो सकती है और कितने गुण मिल रहे हैं, वैवाहिक जीवन आप दोनों का कैसा रहेगा। तो आइए अब आज के वीडियो पर नजर डालते हैं। तो आज मैं उन नामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी जुलाई महीने में होने की प्रबल संभावना है। यह जानकारी आपको ग्रह गोचर की स्थिति और प्रकांड पंडित की भविष्य गणना के अनुसार दी जा रही है। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी कि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की ही रहती है। अगर आप कोई सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, आपकी परामर्श और सलाह का मुझे इंतजार रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि लड़कियों के शादी के जो कारक हैं वो गुरु माने जाते हैं और लड़कों के स्त्री सुख या विवाह सुख के कारक शुक्र माने जाते हैं। गुरु के मजबूत रहने से शादी जल्द हो जाती है, शुक्र के मजबूत रहने से लड़कों की शादी जल्द हो जाती है। तो बृहस्पति को देवताओं का गुरु माना जाता है, इनकी पूजा से विवाह के मार्ग में आ रही सभी अड़चने स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार का दिन विशेष महत्व है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को भी समर्पित है, इस दिन गुरुवार का व्रत करना चाहिए। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग की वस्तुएं चढ़ानी चाहिए। पीले रंग की वस्तुएं जैसे हल्दी, पीला फल, पीले रंग का वस्त्र, पीले फूल, केला, चने की दाल आदि, इस तरह की वस्तुएं
प्रभु को अर्पित करनी चाहिए। साथ ही शीघ्र विवाह की इच्छा रखने वाले युवाओं को गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि लड़कियों को गुरुवार के दिन व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इस व्रत में खाने में पीले रंग का खाना ही खाएं, जैसे चने की दाल, पीले फल, केले खाने चाहिए। हालांकि अगर गुरु कमजोर है तो केले बिल्कुल ही ना खाएं। इस दिन व्रत करने वाले को पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। हालांकि इस व्रत के कई कठोर नियम भी हैं, लेकिन आप दिन में जल और फल इन दोनों को एक बार ग्रहण कर सकती हैं। निम्न मंत्र का जाप अगर गुरुवार के दिन करें तो सोने पे सुहागा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह, इस मंत्र का जाप गुरुवार के दिन करना श्रेष्ठ कर होता है। शादी में समस्त बाधा दूर हो जाती है। गुरु ग्रह की पूजा के अतिरिक्त शिव पार्वती की पूजन करने से विवाह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके लिए प्रतिदिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, बिलपत्र, अक्षत, कुमकुम आदि जरूर चढ़ाएं। अब आइए आप जानते हैं लड़कों की शादी के कारक। तो शुक्र को माना गया है, शुक्र के मजबूत रहने से शादी शीघ्र होती है। शुक्र को कैसे मजबूत किया जाए? तो शुक्र को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है शिव जी और माँ पार्वती की सच्चे दिल से पूजा करें। इसके लिए आप सोमवार को शिव जी को सफेद फूल, कच्चा दूध आदि अर्पित करें। इसके अलावा सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने। शुक्रवार के दिन भी शिव जी की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। अगर आप सच्ची श्रद्धा से शिव जी की विशेष पूजा करते हैं तो शुक्र जरूर मजबूत होगा, क्योंकि शुक्र के जो गुरु हैं वो शिव जी हैं। तो शिव को मजबूत करने से शुक्र, शिव की पूजा करने से शुक्र स्वतः ही मजबूत हो जाता है और आपकी शादी में समस्त बाधाएं दूर हो जाती। तो यह जानकारी उन लड़कों के लिए है जिनकी शादी में देरी हो रही। तो आइए अब उन नामों के बारे में जानते हैं जिनकी शादी के योग बन रहे हैं। तो जैसा कि आपको पुराने वीडियोज में बताया गया है कि गुरु जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है, इसके लिए कुंभ राशि के जातकों के शादी की संभावना बहुत ही प्रबल है। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में गुरु प्रवेश कर चुका है मकर राशि से निकलकर। इसके लिए जो है कुंभ राशि के जातकों की शादी के योग जो है वो 31 जुलाई तक है। तो कुंभ राशि के जो नाम अक्षर हैं वो जी और एस से शुरू होता है। तो जी और यानी कि गौ और एस यानी कि सौ, इन दोनों नामों की शादी के योग की संभावना जुलाई महीने में प्रबल है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि कुंभ राशि के जातकों के जन्म तिथि के हिसाब से 22वें वर्ष से शादी के योग बनते हैं। तो अगर आपकी राशि कुंभ है और आपका नाम अक्षर गौ और सौ से शुरू होता है तो जुलाई महीने में शादी के प्रबल योग है। शादी ARP नाम से होने की संभावना अधिक है, यानी कि आपकी शादी है A नाम के जातकों से हो सकती है, P नाम के जातकों से हो सकती है, R नाम के जातकों से हो सकती है। हालांकि अगर मिथुन राशि के जातकों से शादी करते हैं तो यह वैवाहिक जीवन के लिए सुखमय होता है, किंतु कुंडली मिलान भी अवश्य करा लें। शादी से पूर्व कुंडली मिलान कर यह जानकारी प्राप्त कर लें गुण कितने मिल रहे हैं, नारी दोष, भकुर दोष या मांगलिक प्रभाव से आप मुक्त हैं कि नहीं। अगला नाम अक्षर जो है M से शुरू होता है। तो M अक्षर से शुरू होने वाले लड़के और लड़की की राशि जो होती है वो सिंह होती है। इनके शादी के योग जो है वे 26वें वर्ष से बनते हैं। इस राशि के नाम अक्षरों की शादी M के S यानी कि म क स से ही होती है। M इसलिए क्योंकि सिंह राशि के जातक बड़े ही स्वावलंबी होते हैं और इन्हें लव मैरिज की धुन सवार होता है। ये जातक लव मैरिज में अधिक विश्वास करते हैं और जिसे चाहते हैं उसे पाकर ही रहते हैं। ऐसे में सिंह राशि के जातकों से शादी होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर कुंभ राशि के जातकों से शादी करें तो ज्यादा उत्तम होता है। आपके लिए भी यही आप बताऊंगा कि कुंडली मिलान अवश्य करा ले शादी से पूर्व। अगली जो नाम अक्षर है वो पी से शुरू होता है। तो पी नाम वाले बड़े नेक दिल के होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं। इस नाम के लोगों की ख्याति दूर दूर तक फैली रहती है। पी नाम वाले लोग शर्मीले होते हैं, धार्मिक स्वभाव के होते हैं और काम के बड़े ही दिलदार होते हैं, यानी कि ये बहुत ही डेडिकेटेड बंदे होते हैं। इन्हें लक्ष्य प्राप्ति के चलते शादी में देरी होती है। इन लोगों का मानना होता है कि एक बार पैर पे खड़े हो जाएं उसके बाद ही शादी करें। तो पी नाम के जातकों की शादी के योग जो है वो बहुत देर से बनते हैं, हालांकि शादी के योग बनते हैं। तो अगर आप पी नाम के अक्षर से आपका नाम है तो आप चिंतित ना हो और ना ही घबराएं, आपकी शादी के योग बन रहे हैं। शादी जुलाई महीने में होने की संभावना प्रबल है।
ASD नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। अगला नाम अक्षर S से शुरू होता है, तो S नाम के जो जातक हैं उनकी राशि कुंभ होती है और इनकी शादी के योग जो है 22वें वर्ष से बनते हैं। इनके जो राशि स्वामी हैं वे शनिदेव हैं और इनके आराध्य देव भगवान शिव हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया गया है कि आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करें और कुंभ राशि के जातकों के जो आराध्य देव स्वयं भगवान शिव है तो इनकी शादी के योग बहुत जल्द बनते हैं। क्या करें, तो शुक्रवार के दिन शिव जी को सफेद फूल अर्पित करना, सफेद कपड़े पहना, सोमवार को कच्चा दूध शिव जी को चढ़ाना ज्यादा ही श्रेष्ठ कर होता है। पी नाम वाले भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें, इससे शादी में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष पंचांग मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते तो उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेवार हैं। आप चाहे तो अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से सलाह ले लें, इसके बाद ही इसे माने अपनाए या उपयोग करें। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं, हम आपको कुंडली बनाकर आपकी निजी जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुंडली से इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कर, कमेंट कर, अपने दोस्तों में, परिवारजनों में शेयर जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, माता रानी की असीम कृपा बनी रहे। विषम परिस्थिति में भी परमपिता परमेश्वर आपको सतमार्ग और सद्बुद्धि दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।